नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर बिहार। अपराधियों में अब जेल का डर खत्म हो चुका है और लगातार कई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी क्रम में स्वर्ण व्यवसायी से 25,000 कैश समेत गहने की लूट की घटना को अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया गया है। सिवान में रविवार की देर शाम दो बाइक सवार 4 की संख्या में पिस्टलधारी अपराधियों ने दुकान बंद कर घोट लौट रहे स्वर्ण व्यवसायी से 200 ग्राम जेवर, 25,000 कैश और बाइक लूट ली। घटना बढ़रिया थाना क्षेत्र के पंसरा और चितुटोला गांव के बीच की है। पीड़ित स्वर्ण व्यवसायी लकड़ी निवासी प्यारे लाल सोनी है। इधर घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। दुकान बंद कर लौट रहे स्वर्ण व्यवसायी से हथियार के बल पर लूट की घटना के अंजाम के बाद व्यवसायी अब डरे हुए हैं। वहीं उपासिल थाना इलाके के करदा मोड़ बाजार में अपना ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं प्यारे लाल सोनी, जो रोज की तरह देर शाम अपना दुकान बंद कर लगभग 200 ग्राम जेवर और 25,000 रुपये कैश अपनी बाइक की डिक्की में रख कर अपने घर बड़रिया थाना इलाके के लकड़ी गांव लौट रहे थे, जहां बड़रिया थाना इलाके के पंसरा और चित्रटोला गांव के बीच पहुंचे ही थे कि दो स्प्लेंडर बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने घेर कर पिस्टल के बल पर स्वर्ण व्यवसायी से करीब 200 ग्राम ज्वेलरी, 25,000 नगद व बाइक लूट कर मौके से फरार हो गई। क्षेत्र में लगातार इस तरह की घटनाएं काफ़ी चिंतनीय है और आए दिन ऐसी घटनाएं होती रह रही है। अभी कुछ दिन पहले ही लूट की बड़ी घटना को स्वर्ण व्यवसायियों से ही अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया गया है।